सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है ताडा साडी अपनी नवी वीडियो च। तो आज ना मैं ये वाली जो वीडियो है ना, इस वाली वीडियो को मैं पंजाबी लैंग्वेज में रखता हूँ। आई होप, मुझे नहीं पता आपको पंजाबी लैंग्वेज समझ में आएगी कि नहीं, बट मैं पंजाबी लैंग्वेज में रखने की कोशिश करता हूँ पंजाबी लैंग्वेज। तो हूँ मैं जान वाला है कि मैं जो निकलिया सी घरों, मैं अपने घरों निकलिया सी कि मेरे जेडे वो है पेरेंट्स, उन्होंने गुरु महाराज आए हैं इतने, तो उन्होंने मैं छड़न आया सी, तो उन्होंने मैं छड़ता है। तो हूँ छड़ के मैं घर वापस जा रहा, तो घर वापस जाने तो पहला मैं सोचा कि मैं तो सारे लिए वीडियो बना ला जी कि मैं हूँ बना ले बनाने की कोशिश करता पाया। तो कार मोटर ब्लॉगिंग जी है वीडियो, अज संडे का दिन है, तो 19 जून अज डेट चलती पई है। तो अपना हैगा 10 बजे ना, 9:42 हो चुके हैं। तो गड्डिया चल रही ने, बहुत ही ज़्यादा मतलब हूँ चढ़ाई हैगी है, जिस करके इंजन की बच जाती है गड्डिया की, जो हैवी ट्रैफिक जरा मतलब उन्होंने ओवरलोड किया हों। तो इदा ही है, इदा चलता रहता। हूँ जिदा साड़ी गड्डी है, आप चौथे गेयर तक रखी गड्डी, पर चौथे गेयर तक गड्डी चल नहीं रही, समझ रहे हो ना, सानू तीजे गेयर तक लैके जाने पैनी है ता कि गड्डी अपने आप को खिंच सके सही ढंग के नाल, ज़्यादा इंजन के गेयरबॉक्स से ज़्यादा प्रैशर नहीं पाना, गेयर से ज़्यादा प्रैशर नहीं पाना, समझ रहे हो ना। तो जिदा देख सकते हो तो ट्रैक्टर का भी काम कुम सब खराब हो रखे, इस करके हूँ असं जरा इन्हों तो अगे निकलते हैं जी, अगे निकल के आप जरा निकले, क्योंकि ट्रैफिक के फस के रहने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी गलत हो सकता है, गलती भावें साड़ी ना हो, पर ओपोनेंट की गलती हो, पर हुंदा की है कि भुगतना दोनों नूं पैंदा। इस करके तुसीं जिन्ना वो पर पा सको कि तुसीं दूर दूरियां बना के रखो, जदों ड्राइव कर दो खुला खुला डुला चलाओ, कोशिश यही रखो हमेशा कि जुड़ जुड़ के ना चलाओ, क्योंकि गलती हो सकती है, तो गलती तो सानू बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बस हूँ जिन्नी भी चढ़ाई से पूरी कर ली हैगी है, तो हूँ आप थले मतलब आप हूँ थले उतरना हूँ उतराई हैगी है, तो गड्डी रेस पाने की कोई लोड़ नहीं हैगी, गड्डी ने अपने आप ही चलता जाना, ये फिजिक्स है, फिजिक्स हैगी है। तो हूँ बस थले जाना, तो गड्डी ने अपनी स्पीड अपने आप चकते फिरना, तो 60 की चक ली है, जे मैं ब्रेक ना मारा तो 80 तक पहुँच जाना, जे मैं फिर ब्रेक ना मारा तो 100 क्रॉस कर जाना, समझ रहे हो। तो लेकिन ब्रेक मारने पैनी है, क्योंकि इतने जरा मोड़ अपने बड़े गंदे गंदे जे है, तो हूँ तो जरा सीनरी देखो जी सामने वाली, यही सीनरी थानू मैं पिछली वीडियो दिखा रहा है, कल साडे इतने पई सी बारिश बहुत मस्त, तो जो भी बारिश पैंती है साडे इलाके, तो इतने सानू पहाड़ देखना चालू हो जाते, क्योंकि मैं रहना पहाड़ों के एक जमा पैर च, मैनू सिर्फ ज़्यादा तो ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं पहाड़ों तक चढ़ा दी, क्योंकि मैं जरा प्लेन इलाके च रहा ना, वो देखो सामने तुम पहाड़ दिख रहे होने हैं वो सामने, तो बस उन्होंने पहाड़ों के नाल ही मैं रहना, उत्थे मेरा घर होना कि बस हूँ इदा ही सीन है। आप हूँ घर जा रहे हैं, तो देखते हैं फिर घर जाके आप वीडियो एडिट मारांगे तुहाडे सारे लई। तो आई होप कि तुहानू मेरी ये पंजाबी कमेंटरी पसंद आ रही होए, जे पसंद आ रही होवे आ रही होवेगी तो मैनू दस दौ, तो आपे पंजाबी भी एक वीडियो बना दिया करांगे, ठीक है ना जी। तो ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कि आपको ये मेरी पंजाबी कमेंट्री कैसे लगी, पसंद आई कि नहीं आई, बट फिर भी आई ट्राइड, ठीक है ना जी, मैं कोशिश की है, तो इसी करके छोटी जी वीडियो रखी है मैं, ताकि बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि आपको पंजाबी मतलब समझ में आती है मैक्सिमम लोगों को, तो इसीलिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, मैं आपको उर्दू में उर्दू भाषा जो रहती है ना उसमें भी वीडियो कमेंट्री मारूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें मज़ा आता है उर्दू वर्ड्स का इस्तेमाल करने में, उर्दू लैंग्वेज ना मोहब्बत से भरी पड़ी है, मजाक नहीं, अगर आप किसी से गुस्सा भी कर रहे हो ना तो क्या मतलब मज़ा आता है गुस्सा करने में भी, वो जो वर्ड्स होते हैं उसके अगर हम उसको नोटिस करें। सो तो अभी मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, ये ऑटो वाला कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको, तो कभी कभी ऐसे होता है कि मसले भी पड़ जाते हैं, जल्दबाजी में मसले हो जाते हैं, एंड तो अभी मैं कहाँ को हमें मुड़ना चाहिए, कहाँ को हमको जाना चाहिए, अभी ये सोचने वाला है, सीधे सीधे चलें कि इधर को मुड़ जाओ ताकि मेरी वीडियो बन जाए, ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ इस साइड मुड़ता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, हमको वीडियो बनानी है, वीडियो शूट करनी है, क्योंकि आई हैव टू टेक लिटल आई हैव टू पुट लिटल मोर एफर्ट्स
क्योंकि अभी ज्यादा जरूरी है। अभी आप देख सकते हो, ये जो मैंने अभी इस वक्त रोड पकड़ी है, ये अपनी ढलोजी वाली रोड है, ये वो सामने ढलोजी वाले पहाड़ है, वो जो आपको दिख रहे होंगे काले काले से भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये डलहौजी वाली रोड है, ये रोड सीधे डलहौजी चली जाएगी, मनाली भी चली जाएगी, पर मोस्ट प्रॉबली लोग प्रेफर इस रोड को सिर्फ डलहौजी जाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। आगे जाके तो चलो सब रोड्स मिलती हैं, बट इस रोड को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है डलहौजी के लिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद इसी चीज़ के लिए प्रेफर करता हूँ इसको। तो अब इसे आप देख भी सकते हो, मनाली 326, कुल्लू 286, चंबामान 30, डलहौजी 80 किलोमीटर। तो ये रोड सीधे सिर्फ 80 किलोमीटर हमको डलहौजी पहुँचा देंगे, ये वाली जो रोड है। तो यही वो मेन सीन है। एंड चलो अब हमारी जो वीडियो है देखते हैं भाई कितनी बनी है। एंड ऑल राइट गाइस, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।